ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। शिक्षा मित्रों के उनको सहायक अध्यापक बनाने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। ध्यान में लीजिए, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का अलग मापदंड है, अलग अहताय है। अगर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित करने के बजाय शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन मान घोषित करके जीवित कर दिया जाएगा, आज आपकी जानकारी भैया मोबाइल लगा रहे तुम्हें यार, सबसे ज्यादा तुम्हें। हाँ यार, हटाओ भैया इनका, आप थोड़ा साइड कर लीजिए, हम लोग भी आ रहे हैं। अब थोड़ा आप हमारे बेटा और उसी गलती को लगा था। जब आपने अपना प्रदर्शन किया दिल्ली में, मैं सांसद था उस समय भी, मैं आपके कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हूं। साथियों, 17 से पहले, ध्यान कर दो, 17 से पहले अगर एक बिल ला करके और शिक्षा मित्रों का वेतन मान दे की जगह वेतन मान संशोधन का और नियमितीकरण का बिल अगर आ गया होता तो निश्चित तरीके से आप समस्या का समाधान 17 से पहले हो जाता नहीं हो जाता, बोलो क्या विवाद से काम लेने की जरूरत थी, बुद्धि से काम लेने की जरूरत थी। लेकिन भावा बैठे कभी कभी लोग समझते और आगे बढ़ते चले जाते। आज यहां पर जो इकट्ठा होने का काम है, जब मेरे पास आदर्श समाज शिक्षक शिक्षा एसोसिएशन, आपको याद अच्छी तरह से सबके दिल में लोगों ने बात बैठाई आपके लोगों के, अगर फिर से पिछली सरकार आ जाएगी, ये कड़वा संकेत सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद दिला रहा हूं, गलती न करना इसलिए दिला रहा हूं। अगर योगी जी की सरकार हट जाएगी, किसी और की सरकार जिसकी आप चाह रहे थे उनकी सरकार आ जाएगी तो शिक्षा मित्रों का भला हो जाएगा, नहीं होता नहीं होता किसी कीमत पर। जिन लोगों ने समझाया आपको गुमराह करने का काम किया और एक संदेश दिया कि 2019 में और 2022 में शिक्षा मित्रों ने केंद्र में और प्रदेश में योगी जी मोदी जी की सरकार का विरोध किया, ये एक संदेश दिया लोगों ने, मैसेज दिया, व्हाट्सएप पे लिखा, फेसबुक पर लिखा, ट्विटर पर लिखा, इंस्टाग्राम पे लिखा, मैसेज किया, ये बात संदेश कही, आपके विरोध में बात कही। जिन लोगों ने किया उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात करने का काम किया, धोखा करने का काम किया, जिन लोगों ने शुरू करने का काम किया। बोलो, यहां तक कि
जब 2022 में एग्जिट पोल आ रहा था और हो रहा था कि फिर से योगी जी की सरकार बन रही है, तो कुछ लोगों ने कहा घबराना नहीं, हम लोगों ने डर करके योगी जी का विरोध किया है, ये सरकार नहीं आएगी, डर करके विरोध किया। ये क्या शिक्षा मित्रों ने इसको संदेश दे रहे थे, अपने घरों में भारी मांगे आराम कर रहे थे, समझ रहे की सोच रहे की इसको भोगा देने का काम कर रहे थे। इसका मतलब जनता की नब्ज को आपने पकड़ने का काम नहीं किया। और आज मैं इस बात से आप खुश हूं कि आप सभी संगठन के लोग कल्याण सार्वजनिक शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के ये विश्वनाथ कुशवाहा और उमेश कुमार पांडे इनकी टीम के लोग जब गए तो मैंने इनको डेट देने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम केवल योगी जी मोदी जी के बीचों का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, कोई डिमांड नहीं करेंगे, पहले हम इकट्ठा होंगे, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी के हम साथ हैं, हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं। इसी बात प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और दूरस्थ बीडीसी के लोग शिक्षा मित्र हमारे साथ आए बैठे, कई राउंड में बातचीत हुई, उमेश जी को कुशवाहा जी को बुला के बैठे बात कराई गई कि लड़ाई कोई एक संख्या लड़े फायदा होगा तो सब लोगों का फायदा होगा, इसलिए सब लोग एकजुट होकर के आपने सबने बोला कि हम योगी जी और मोदी जी के बीचों का क्या आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, मोदी जी का पंचकर्म को पूरा करना, योगी जी का उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना और उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश बनाना, इनके लिए समर्थन करने का काम के लिए हम काम करने के लिए ये समर्थन करने के लिए योगी जी मोदी जी के लिए सब सहमत है। इकट्ठा होकर के हम एक आज का एक संगम आज का महासम्मेलन हम एक तरीके से शिक्षा मित्रों का समागम का एकजुट होकर के ये संदेश देने के लिए आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं पूछना चाहता हूं कितने लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बोला उन्होंने कि 2047 तक के बाद भारत के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा और तब बनेगा जब आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पंच पुनर्जुड़ा करने के लिए पूरी तरीके से हमारे अपने देश को हम ऐसा भारत भी बनाने का काम करेंगे। जितने लोग समर्थन में हो जाए हम बनाने की बात करोगे सभी लोग समर्थन में हो स्वागत करते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया, लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, लोगों को रोजगार मिले करवाया है। सभी लोग समर्थन में हो तो योगी जी मोदी जी के समर्थन में आज आप लोग इकट्ठा होने आए। आपकी प्रॉब्लम मैं जानता हूं क्योंकि मैं शुरू से आपके साथ रहा हूं, प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, मार्ग बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों के दिल में कथक होगी कि यहां से मांग पत्र क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, ये मांग पत्र नहीं है, मार्मिक अपील है, ये मांग पत्र नहीं है। इसमें लोगों ने अपने 22 साल वर्षों से जो शिक्षा मंत्र एकजुट होकर के अपनी बातों को कह रहे हैं वो आपके दिल में है, वो मेरे भी दिल में है, मैं जानता हूं
और आपकी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी व्यक्ति तरीके से जानते हैं। मैंने बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा शिक्षा मित्र से व्यक्ति होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, योगी जी के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा टोकन लिए दोनों के साथ विरोध किए थे, मैंने कहा ये विरोध किए थे सत्य से गया है, मगर सबने किए थे, कुछ लोग साथ में भी थे, तो कहा ठीक है की जाएगी बात, बात की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कहा, इसलिए आज का ये कार्यक्रम कई लोगों ने पूछा ये धरना है, मैंने कहा धरना नहीं है, ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं है, शिक्षा मित्रों की रैली है, ये रैली नहीं है, ये महासम्मेलन है, महासंग्रह है, हमारा रास्ता योगी जी की मोदी जी की नीतियों के साथ आपका महासम्मेलन है, महासंगम है, इसलिए किसी भी शिक्षा मित्र के मुंह से रोके में भी गलती से भी कोई अलग बात नहीं निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं करना है, क्या आप क्या कहेंगे वाहन को रेल की पटरी पर चला सकते हो, क्या ट्रेन को आप सड़क पर चला सकते हो, तो अब तक आप अपने चार पहिया के वाहन को ट्रेन की पटरी पर चला रहे थे और ट्रेन को आप सड़क पर चला रहे थे, समझ में आ रही है बात नहीं, समझ में आ रही बोलो, आ रही है। अगली बार अभी तीन बार आपको उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होना और इसी मैदान में इकट्ठा होना, याद रखना, इकट्ठा होने जनता को मुफ्त में इलाज दे रही, दसों करोड़ लोगों को गैस
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आप शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा करके 3500 रुपए मांगने कर दिया था, आपके किसी संगठन ने हमारी सरकार से मुआवजा नहीं किया था, आपकी प्राणों समझ करके बगैर बात के ही 10,000 मामले बढ़ा देने का काम शुरू मिले आपने आप किया था, किया नहीं किया तो मुझे बहाल करके किया। आपने कोई ध्यान नहीं दिया, अगर आपकी समस्या को समझ करके कर दिया, इस भावनाओं से आप नहीं जुड़ पाए, इन चीजों से आप नहीं जुड़ पाए, आपको जुड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इस सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ से, और बात करने के बाद माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, अपने संगठन में भी बात करूंगा, पार्टी के शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में भी बात करूंगा, और आपके जो संगठन है आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र सर, आपका जो क्या है क्या पूरा शिक्षा मित्र बीटीसी, सब लोगों से एक एक दोनों लोगों मैं बातचीत करके आपकी वार्ता कराने का काम करूंगा, और उसके बाद आपको परिवार से इकट्ठा होने का काम करूंगा। सभी महिलाएं शिक्षा मित्र अपने हस्बैंड के साथ अगर शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है तो भाई के साथ, मां बाप के साथ, महिलाओं के साथ आइए, और जो पुरुष शिक्षा मित्र है अपने पत्नी और बच्चे अपने भाई मां बाप के साथ आइए, और इसको चारों तरफ से भर देने का काम करिए, एक संदेश देने का काम करिए कि केवल शिक्षा मित्र ही नहीं परिवार के लोग दोस्त मित्र भी पूरी तरीके से विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तरी उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, और प्रदेश को और देश को नंबर एक पर ले जाने के लिए ये संदेश देने के लिए आप सबको आना है। तैयार इसके लिए बोलिएगा, तैयार है ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं, आने वाले समय में मुझसे पूछा जाएगा कि लोगों ने हाथ उठाया था कि नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आप गए थे लोगों ने क्या बताया, तो मैं बताऊं क्या बताऊं कि योगी जी के साथ, आपके साथ, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ पूरी तरीके से आप हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, ये बताना है क्या बोलिए मेरा खड़े आप उनकी नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं, तो सुनिए जरा सुन लीजिए। खाना खाने के पहले जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कोई चीज अगर खाते हैं तो चावल को पकाना पड़ता है, आटा को गूंथकर रोटी बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ती, आपको दाल पकानी पड़ती है, सब्जी काट करके उसे छोड़ करके बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता है। अरे हाँ, संजय जी का स्वागत करिए। कदर तुम्हें पीछे हटे, ये जो बात है ये संदेश जाना चाहिए, थोड़ा सा रहिए साइड में, संदेश दिया आपने और संदेश आप देने के लिए आना पड़ेगा। अगली बात करके हम यहाँ पर अभी ऐलान नहीं करना चाहते, आप शिक्षा मित्रों के संगठन के साथ बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संगठन के अधिकार अध्यक्ष से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आपके संगठन के लोगों से बात करके अगली तारीख तय करेंगे जिनमें आप लोगों को आने का काम करना, ठीक है, सहमत है हमारी बात से। ये बताओ कितने लोग खुश हो भाई, कौन सी जी हमारे लोग जो करना चाहिए।
अच्छा इसमें कोई लोग मुंह तो नहीं लगता है हमारी बात से? अगर मुंह लगता है तो बताओ भी, मुंह लगता के ना जा रहा, जरा ये बात छिड़खिड़ा करके हंस के बोलिए, जरा एक बार बोलिए, योगी मोदी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं मोदी जी ने क्या बोला, सबका विकास सबका साथ, बोला नहीं बोला? इसमें आप नहीं आ रहे क्या? बोले ना, अपने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, और ये प्रयास आपका प्रदेश में रहेगा, देश में रहेगा, आपका विश्वास बना रहेगा। ये प्रयास आप पहली बार आपने शुरू किया है, इसलिए आप लोग तो अपने लिए ताली बजाने का चाहते हैं, अपने लिए ताली बजाने का। देखो इसमें तो आप लोग जो है कुछ लोग जाएंगे और कहेंगे यार क्या होता है, कुछ काम चीजें मिला नहीं, सब कुछ मिल गया, तो कुछ मिला सब कौन कौन आएगा, इसलिए तय करना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन देगा, डिसिप्लिन
कनेक्शन बनाना पड़ेगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और जो लोग भी इसमें बहकाने की बात करे आप समझ लेना वो आपकी हड्डी पर कबड्डी खेलना चाहते हैं, आपकी मदद नहीं करना चाहते। इतना ध्यान, इतने बहकने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आप ये जो समागम है, आज का जो महासम्मेलन है, आपने जो योगी जी को, मुख्यमंत्री जी की नीतियों को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित भारत बनाने, पंच पर्व को पूरा करने, आप लोग उत्तर प्रदेश में एक शिक्षित प्रदेश बनाने, उत्तर प्रदेश को एक उद्यमी प्रदेश बनाने, विकसित प्रदेश बनाने, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए कोई समर्थन करने के लिए थोड़े का काम किया है। ये संदेश वहां तक पहुंचाने का काम मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप इसे करेंगे। चर्चा करने का काम करूंगा, ऐलान यहां करने नहीं जा रहा। क्या ये समागम है, समागम है, समागम ये ध्यान रखना है, समागम है ये आप समर्थन करने के लिए जितने उपाय है जो चीजें भी हैं वो पहुंचाने का काम करेंगे। ये सब करने की जरूरत है, इसलिए अगर जी का ध्यान रखिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, मन टूटना नहीं चाहिए, मन छोटा नहीं होना चाहिए। आपने फसल बोली है, लहलाने लगी है, फसल भी आपकी ताकने का काम करोगे, आप ही ताकने का काम करोगे। ठीक है, तो एक बार बोलना बोलिए, सभी लोग बोलिए, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद नारा बोल दीजिए, उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की जिंदाबाद।